जय हिंद साथियों, स्टूडेंट हेल्थ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेढ़ साथी बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 के बारे में। साथियों, जैसे आप लोग पता है कि उत्तर प्रदेश में दरोगा के लिए काफ़ी दिनों से वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन साथियों फाइनली इसका जो टेंडर हुआ पास हो गया है, इसका टेंडर साथियों पास हो गया है। अब ये वैकेंसी आने का एकदम रास्ता साफ हो गया है आपका। अब साथियों इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत जल्दी कोई नोटिस जारी कर दी जाएगी। तो ये सबसे पहले बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए, क्योंकि इसका टेंडर पास हो गया दरोगा भर्ती का, जो कि साथियों नोटिस आपकी जारी कर दी गई। और साथ ही साथ नोटिस में साथियों ये भी बताया गया कि जेल वार्डन के एग्ज़ाम जो आपका सितंबर में होने वाला था, उसकी डेट साथियों बढ़ा के नवंबर कर दी गई है। तो आपको नोटिस दिखाने वाला नोटिस में क्या क्या बताया गया और आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करके चैनल साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेना उत्तर प्रदेश दरोगा की पल पल अपडेट पाने के लिए। साथियों ये है ऑफिशियल नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। तो ये साथियों नोटिस में बताया गया, ये नोटिस हालांकि साथियों 17 दिसंबर के अपलोड की गई, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा एड्रेस लिखा है विज्ञप्ति का आपके, मतलब कि 3012 पद जो है महिलाओं पुरुषों के और 626 पद वार्डर, मतलब कि जो जेल वार्डर के, आरक्षी घुड़सवार के 102, फायरमैन के टोटल साथियों 2065 पद, जो 2016 की प्रस्तावित वैकेंसी थी साथियों, जो आपका ऑफलाइन लिखित एग्ज़ाम इसका होगा। तो इसमें क्या क्या बताया गया मैं आपको बता रहा हूँ कि कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के लिए 3012 पद एवं महिलाओं के लिए 626 पदों के लिए वार्डर, आरक्षी, घुड़सवार, पुलिस के 102 तथा फायरमैन पुरुष के 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अधियाचिक पदों भर्ती की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अधिचयन बोर्ड में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राप्त अधिचय पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई संपादित करने हेतु विज्ञप्ति निर्गत करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त हो चुके हैं। उक्त भर्ती संबंधी ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन माह नवंबर में, यहाँ देख सकते हैं साथियों जो आपकी परीक्षा होगी ऑफलाइन होगी और नवंबर माह में होगी। साथियों ये पूरा मतलब कि एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि साथियों अभी डेट कोरोना वायरस की वजह से डेट बढ़ भी सकती है। आपका जनवरी तक का ये पेपर मुझे लगता है जहाँ तक करवाया जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए साथियों, मतलब कि निश्चित नहीं है, शायद नवंबर में आपका पेपर करवा ले, लेंगे, आपके तैयारी करने में ढीला मत देना, ठीक है। तो उसके बाद साथियों यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत आयोजित ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई समानांतर्गत की जाएगी। तो ये साथियों पूरी नोटिस जारी की गई थी, ये सही नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। तो आप नोटिस पर देखना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, नोटिस को पूरा डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो एकदम सही से मतलब कि जो ऑफिशियल जानकारी से होते हो, आपके नवंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, क्योंकि साथियों अगर कोरोना वायरस ज़्यादा हावी रहेगा तो ये आपके मतलब कि 2021 में आपकी वैकेंसी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यूपी पुलिस की पल पल अपडेट पाने के लिए।